हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइमोसिस के बारे में। फाइमोसिस यानी जो एक लिंग संबंधी बीमारी होती है, पुरुषों में पेनिस संबंधी बीमारी होती है, तकलीफ होती है। दोस्तों, फाइमोसिस ये जो तकलीफ है, ये जो बीमारी है, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में और एडल्ट्स दोनों में होती है। अब ये होती क्या है? नॉर्मली दोस्तों, जो लिंग होता है, जो पेनिस होता है, उसके आगे टिप ऑफ द पेनिस होती है और पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। यानी कि जो पेनिस की टिप है उसके ऊपर की जो स्किन है उसको बोलते हैं फोर स्किन। नॉर्मली ये जो स्किन है, फोर स्किन, ये पीछे चली जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है, पीछे की तरफ पूरी चली जाती है और आगे का पेनिस का जो टिप का हिस्सा है वो पूरी तरह दिखता है, एक्सपोज होता है। हम इसको नॉर्मल पेनिस का स्ट्रक्चर बोलेंगे। परंतु फाइमोसिस इस रोग में ये जो स्किन है, फोर स्किन, जो आगे का स्किन है, ये पीछे पूरी तरह नहीं जाता, या तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिसको हम कंप्लीट फाइमोसिस बोलते हैं, ग्रेड फाइव फाइमोसिस यानी सीवियर फाइमोसिस, और यह हल्का थोड़ा सा जाता, पार्शियल जाता, हल्का फुल्का जाता है। तो इस तरह से फाइमोसिस वो रोग है पुरुषों का जिसके अंदर लिंग के या पेनिस के ऊपर की जो फोर स्किन है वो पीछे की तरफ फुल रिट्रैक्शन नहीं होती, पुल बैक नहीं हो पाती, इसको हम बोलते हैं फाइमोसिस। दोस्तों, फाइमोसिस ये दो तरह से होता है नॉर्मली। एक होता है फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और जो खासकर हम छोटे बच्चों में देखते हैं, जो भी बच्चे होते हैं एक साल के, दो साल के, उनका जो स्किन है वो नॉर्मली कई बार पीछे नहीं जाता, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 5 साल 7 साल 10 साल, वो धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस, जो उम्र के साथ में जैसे जैसे बच्ची की एज बढ़ती है वो सही हो जाता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है। और एक होता है पैथोलॉजिकल फाइमोसिस, जिसके अंदर कोई ना कोई रोग होता है, कोई ना कोई वजह होती है, उस वजह से वो जो स्किन है वो पीछे नहीं जाती। अब ये कौन से रोग है वो हम आपको बताते हैं, कौन से कॉजेज है जिस वजह से फाइमोसिस ये देखने मिलता है, इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फाइमोसिस। इसमें जो दोस्तों जो सबसे प्रमुख कारण है वो है पुअर हाइजीन, यानी कि लिंग की, पेनिस की साफ सफाई न रखना। नॉर्मली हम हमेशा बताते हैं कि पुरुषों को अपने लिंग की हल्का गुनगुना पानी से रोजाना, हल्का सोपी वाटर से धोना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, स्किन को जितना पीछे जाए उसको उस हिसाब से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो उधर इन्फेक्शन होगा, हो सकता है आपको फाइमोसिस भी हो जाए। और कुछ स्किन की बीमारियाँ होती हैं, स्किन की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक्जीमा, सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, लाइकन स्क्लेरोसिस, इन वजह से, इन रोगों से क्या होता है, स्किन की जो फॉर्मेशन है सख्त हो जाती है, स्किन सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती है और फाइब्रस हो जाती है, सख्तपना आ जाता है, और इस वजह से वो पीछे स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाता और इसको हम बोलते हैं फाइमोसिस बन जाता है। तो स्किन की कुछ वजह है, ये कारण होते हैं स्किन की कुछ बीमारियों की वजह से। थर्ड है प्रीप्यूशियल एडिजन्स, यानी कि कुछ एडिजन फोर स्किन और टिप ऑफ द पेनिस के बीच में कुछ हल्का सा कोई टिश्यू दिख जाता है, कुछ मांस का टुकड़ा होता है जिससे उसको पीछे नहीं जाने देता। फिर बाद में इंजुरीज, पेनिस पर चोट आ जाना, लिंग पर चोट आ जाना, और लास्ट है इन्फेक्शंस, यानी कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जिस वजह से फाइमोसिस का ये रोग बन जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख कारण है जिन वजह से फाइमोसिस देखने मिलता है। अब आते हैं हम सिम्टम्स, यानी क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे अगर आपको फाइमोसिस है। तो सबसे पहला है रेडनेस, वो जगह आपको लाल दिखेगी, क्योंकि लाल इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और कई बार इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की वजह से वो एरिया, पेनिस का एरिया लाल दिखता है। फिर है पेन होना, यानी जब आप पेशाब करेंगे, यूरिनेशन करेंगे, यूरिनेट करेंगे तब पेन होगा। आपका लिंग जब सख्त होता है, इरेक्शन होता है, तब आपको पेन होगा, इरेक्ट पेनिस होने पर, या कोई भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तब आपको पेन होगा। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है, सिम्टम्स हैं जो आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको फाइमोसिस के अभी कारण बताए हैं और लक्षण बताए हैं और फाइमोसिस के ग्रेड्स बताए हैं। 0 ग्रेड से लेकर 5/5 ग्रेड तक होता है। 0 ग्रेड में होता है बिल्कुल भी जो हल्का फुल्का रिट्रैक्शन, 0 ग्रेड में यानी कि रिट्रैक्शन अच्छा होता है उस स्किन का, और जो 5th ग्रेड है सबसे सीवियर ग्रेड होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ 5th ग्रेड पे होती है, उसमें बिल्कुल भी रिट्रैक्शन ऑफ स्किन नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा ग्रेड उतनी ज़्यादा दिक्कत।
अब जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है ट्रीटमेंट। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? नॉर्मली दोस्तों स्टीरॉयड क्रीम का इसमें उपयोग करते हैं, और ये स्टीरॉयड क्रीम जैसे कि टीनोवेट क्रीम, क्लोबेटासोल प्रोप्योनेट इसके अंदर दवाई होती है, या फ्लूटिकाजोन क्रीम जैसे कि क्यूटी सॉफ्ट वगैरह, पर नॉर्मली टीनोवेट क्रीम, ऐसे स्टीरॉयड क्रीम को इस्तेमाल करना होता है कम से कम 2 हफ्ते। एटलीस्ट दिस क्रीम हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर 2 वीक्स। जो पेनिस का जो टिप है उसके अंदर स्किन के थोड़ा सा ऊपर, इसको 2 हफ्ते पहले अप्लाई करना पड़ता है। 2 हफ्ते अप्लाई करने के पश्चात जेंटली स्टार्ट स्ट्रेचिंग द फोर स्किन, फिर उस स्किन को धीरे धीरे पीछे स्ट्रेच करना, पीछे की तरफ खींचना होता है, पुल बैक करना होता है, और ये धीरे धीरे करना होता है, डॉक्टर की सलाह से करना होता है। आपके जो भी सर्जन डॉक्टर है वो आपको सलाह करेंगे, तो जो भी ट्रीटमेंट है सर्जन डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, स्टीरॉयड क्रीम डॉक्टर देंगे आपको, आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कौन सी ग्रेड का फाइमोसिस है, और उस ग्रेड के हिसाब से आपको पहले कोशिश करेंगे कि दवाइयों से काम हो जाए। तो स्टीरॉयड क्रीम 2 हफ्ते अप्लाई करना है, और उसके 2 हफ्ते अप्लाई करने के पश्चात जेंटली स्टार्च स्ट्रेचिंग कुछ दिखाएंगे आपको कैसे करना है। और जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो हल्का ल्यूब्रिकेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई पेट्रोलियम जेली होती है, निविया वगैरह, उस वक्त अप्लाई करनी होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर 2 से 4 हफ्तों का होता है, और फिर हम देखते हैं कि इसका कितना फ़ायदा होता है। और फिर आखिर में अगर ये स्ट्रेचिंग से या स्टीरॉयड क्रीम से जब फ़ायदा नहीं होता तो डॉक्टर आपको सर्जरी की एडवाइस देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने फाइमोसिस इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी, आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोज़ हम आपको और ला कर देंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी एडवाइस लेनी है तो व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।